आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने नॉलेजेबल कंसेप्ट चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है टेली प्राइम के अंदर बैंकिंग फंक्शंस के ऊपर, बैंकिंग यूटिलिटीज से रिलेटेड। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारा टेली प्राइम एजुकेशनल मोड में अवेलेबल है। अब इसकी और डिटेल यहाँ से राइट हैंड साइड में F1 दैट इज हेल्प में जाके, अबाउट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये जो हमारा टेली प्राइम है एजुकेशनल मोड में, ये रिलीज है 1.1.2 की, जो लेटेस्ट रिलीज आई हुई है। आज हमें इसमें कवर करना है बैंकिंग के फंक्शंस के लिए, कौन सा चेक हमने कौन से पार्टीज को दिया हुआ है, उसका चेक का प्रिंट आउट हुआ है नहीं हुआ है, रिकंसिलेशन हुई है, या कौन से चेक पोस्ट डेटेड के बेसिस पे दिए हुए हैं। तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं टेली प्राइम के 1.1.2 के रिलीज में बैंकिंग फंक्शंस के ऊपर, बैंकिंग यूटिलिटीज के ऊपर। तो हम यहाँ पे नाम ही बैंकिंग का दे देते हैं, एंटर एंटर करके जाइए। अदरवाइज आप डायरेक्टली कीबोर्ड से कंट्रोल ए कर सकते हैं सेव एंड क्लोज करने के लिए। ये आ गया स्क्रीन, हमारी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अभी हमें जस्ट सिंपल सा बैंकिंग से रिलेटेड फंक्शन सीखने हैं। तो जो राइट साइड में जीएसटी का ऑप्शन दिया है, हम उसे नो कर देते हैं, और यहाँ पे भी जो ऑप्शन दिया हुआ है इनेबल ब्राउजर के बेसिस पे, हम उसे भी नो कर देते हैं। ओके, डायरेक्टली बाहर आना है सेव करके, तो कंट्रोल ए कर दिया। अभी ये तो न्यू कंपनी हमारी क्रिएट हो गई, आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं बैंकिंग फंक्शन की कंपनी आ गई है, जिसमें अभी तक हमने कोई भी एंट्री पास नहीं की है। तो पहले स्टार्टिंग में हम नॉर्मली एक एंट्री पास कर लेते हैं रिसिप्ट वाउचर में, अल्ट सी करके कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल में जाता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 5 लाख रुपीज का दिखाया और यहाँ पे बाय कैश, ठीक है, कंट्रोल ए कर दिया। अब आते हैं F4 कॉन्ट्रा में, जहाँ पे हमें पैसा बैंक में डिपॉजिट करना है। यहाँ पे दिखा दिया कैश, जो अभी एट प्रेजेंट हमारे सामने दिखा रहा है 5 लाख रुपीज डेबिट में है। तो हम यहाँ पे 50,000 रुपीज बैंक में शिफ्ट कर देते हैं बाय में। यहाँ पे भी हमने बैंक का लेजर तो बनाया नहीं है, तो अब क्रिएट तो करना ही है। यहाँ से सामने से स्क्रीन से कर लीजिए क्रिएट, या तो अल्ट सी। यहाँ पे हमने दिखा दिया सपोज ABC बैंक अकाउंट। ओके, ये बैंक बैंक में जाता है, यहाँ से बैंक ऑप्शन ले लिया, एंटर कर रहे हैं। हमारे कंपनी का नाम जो है बैंकिंग, वो यहाँ पे आ गया, डेट इज होल्डर्स नेम अकाउंट, और यहाँ पे अब इसका अकाउंट नंबर पूछ रहा है। तो हमने 112 ले लिया, जैसे हमारा टेली प्राइम का 1.1.2 है, तो इसलिए हमने इसको भी अकाउंट नंबर 112 दिखा दिया। अब यहाँ पे दिखा रहा है IFS कोड। अभी IFS कोड हमारे इस ABC बैंक का तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, जस्ट सिंपल सा A लिख दीजिए, एंटर कीजिए। टेली प्राइम आपको सपोर्ट करता है, जो दिखा रहा है जो हमारा IFS कोड होता है उसमें पहले 4 अल्फाबेट होते हैं, फिर फॉलोड बाय 0, उसके बाद 6 नंबर्स होते हैं। तो हम यही नंबर्स कवर कर लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 4 अल्फाबेट आ गए, 0 दिया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6। ओके, उसके साथ में दिखाया हुआ है स्विफ्ट कोड। अगर आपका कंपनी का रिकॉर्ड आपके ट्रांजेक्शन्स आउट ऑफ इंडिया से भी हैं, तो आपको स्विफ्ट कोड लगेगा, जिसमें स्टार्टिंग के जो 4 अल्फाबेट्स होते हैं वो बैंक के रिलेटेड होते हैं, बैंक के अल्फाबेट्स होते हैं। उसके बाद जो अल्फाबेट दो कैरेक्टर्स है जो कंट्री कोड दिखाते हैं, उसके बाद के फिर जो और अल्फाबेट जो है, या लेटर्स हो सकते हैं या डिजिट हो सकते हैं एज पर लोकेशन बेसिस। लास्ट के 2 अल्फाबेट ब्रांच रिलेटेड होते हैं, अगर किसी कंपनी का, किसी बैंक का सॉरी ब्रांच नहीं है तो वो ऑप्शनल चीज है। यहाँ पे ये फंक्शंस आपको दिखाना होता है। तो टोटल कितने दिखा रहा है, 4 पहले स्टार्टिंग के कंपनी सॉरी बैंक के लेटर्स अल्फाबेट, उसके बाद 2 और जो कंट्री से रिलेटेड होते हैं, डेट मीन्स टोटल 6 हो गए, उसके बाद 2 और जो हमारे लोकेशन से रिलेटेड होते हैं, डेट मीन्स यहाँ पे 8 हो गए, 4 2 6 एंड 2 8। उसके बाद के अल्फाबेट जो है वो रिलेटेड होते हैं, जो ऑप्शनल होते हैं ब्रांच से रिलेटेड, ठीक है। आप दूसरी भी स्क्रीन देख लीजिए, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, जहाँ पे मेंशन किया हुआ है 8 to 11 कैरेक्टर्स होते हैं। पहले 4 जो होते हैं वो बैंक का कोड वर्ड होता है, उसके बाद 2 अल्फाबेट जो होते हैं वो स्पेशली कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिखाया है, उसके बाद में लोकेशन के बेसिस पे, और लास्ट के ऑप्शन जो होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं बिकॉज ऑफ ब्रांच रिलेटेड। ओके, आते हैं अभी हम यहाँ पे, अभी स्विफ्ट कोड हम यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं, अगर हमने कुछ ए भी लिख दिया तो यहाँ पे भी आपको ये सपोर्ट करता है। स्विफ्ट कोड क्या है, हम आपका आइदर 8 होगा या 11 होगा, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं, एस्केप कर देते हैं। यहाँ पे ब्रांच हमने मुंबई ब्रांच दिखा दी। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको चेकबुक मिला है, यस हमें चेकबुक मिला है बैंक से, तो हमने एंटर किया। यहाँ पूछ रहा है अभी आपको कौन से चेक्स मिले हैं, कितने चेक्स मिले हैं,
डेफिनेटली नॉर्मली चेक में क्या होते हैं, सिक्स डिजिट्स होते हैं, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, कहां तक मिले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमें 10 चेक्स मिले हैं, एक बुक मिला है जिसमें 10 चेक्स हैं। ठीक है, यहां पे और कुछ नहीं दिखाना है। फिर दिखा रहे क्या आपको ये चेक प्रिंटआउट निकालने हैं, यस डेफिनेटली निकालने हैं। यहां पे पूछ रहा है क्या प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है, यस करनी है, एंटर किया, ये पूरा डिटेल आ गया। अब जैसे आपको हमने पहले ही बताया ये हमारा एजुकेशनल मोड है, अगर आपका लाइसेंस कॉपी है, लाइसेंस टैली प्राइम से लिया हुआ है, तो आपको ये डिटेल फिल करने की नीड नहीं है। आपका लाइसेंस कॉपी होने के वजह से यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब बैंक्स का डिटेल आ जाएगा जो भी आपने चेक दिखाया है। लेकिन अभी हमें एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है कैसे चेक करना है, कैसे है प्रोसेस, तो यहाँ पे आपको पूरी चेक की मेजरमेंट लिखनी होगी, वो भी MM में, जैसे ऊपर मेंशन किया हुआ है। अभी चेक बुक का सिस्टम हमें उसकी मेजरमेंट MM में कैसे चेक करें, तो टेंशन नहीं लेना है, टैली प्राइम ने हमें और भी सपोर्ट किया है। राइट साइड में आप देखिए कॉपी फ्रॉम दिखाया है, कीबोर्ड से अल्ट बी करके आप कॉपी फ्रॉम पे प्रेस कर दीजिए, ये हमें सैंपल दिखा रहा है। डेफिनेटली हमें सीखना है तो सैंपल से ही काम चलाना पड़ेगा। एंटर किया, ये पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पे हमारे सामने आ गई, चेक की हाइट क्या है, विड्थ क्या है, उसमें मार्जिन कितनी सेट करनी है ऑल। लेकिन आप नीचे की तरफ देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने सिग्नेटरी 1 एंड 2 लिया है, दैट मीन्स फॉर पार्टनरशिप फॉर्म के लिए। अब ये कैसे चेक आएगा हम चेक कर लेते हैं, जैसे नीचे है अल्ट पी करके, अल्ट पी किया, यस करंट का चेकआउट करना है। अभी यहां से हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। अब हमारे सामने ये प्रीव्यू आ चुका है, अब इसको जूम कर लेते हैं यहां से, या कीबोर्ड से आप अल्ट जेड भी लगा सकते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिकली यहां पे अकाउंट पे का ऑप्शन आता है, डेट आएगा, कंपनी का नाम जिसको हम पे कर रहे हैं, अमाउंट नंबर्स में, अल्फाबेट्स में, और यहाँ पे जो हमारे कंपनी का नाम है फॉर बैंकिंग जब हमने लिखा था, और नीचे सिग्नेचर 1 एंड 2 दिखा रहा है पार्टनरशिप। अगर हमें ये वर्ड नहीं चाहिए आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, हम एस्केप कर लेते हैं, एस्केप किया, यहाँ पे फिर से एस्केप किया, यहाँ पे सिग्नेटरी 1 है। अब यहाँ पे सपोज फॉर एग्जाम्पल दिखा देते हैं सेक्रेटरी, और यहाँ पे ओनर दिखा दिया, मैनेजर दिखा दिया, कीबोर्ड से अगेन अल्ट पी लगा के एंटर करते हैं, फिर से यहाँ पे प्रीव्यू देख लेते हैं, जूम करते हैं, ये देखिए सेक्रेटरी ओनर आ गया। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं, अगर ये हमें कुछ भी नहीं चाहिए एस्केप एस्केप कर लीजिए, यहाँ पे आप क्या कर लीजिए सेक्रेटरी को टारगेट किया, एस्केप एंटर किया, फिर यहाँ ओनर पे जो हमने लिखा था उसको भी एस्केप कर लीजिए, फिर से अल्ट पी लगाया, एंटर किया। अब यहाँ से आप प्रीव्यू देख लीजिए जूम करके, ये आ गया फंक्शन। देखिए यहाँ पे से कंपनी का नाम मेंशन है जो यहाँ पे ओनर सिग्नेचर करेगा, लेकिन आजकल मोस्टली क्या होता है चेकबुक पे कंपनी का नाम ऑटोमेटिकली लिखा हुआ रहता है, तो हमें ये फंक्शन भी ये वर्ड भी यहाँ पे नहीं चाहिए, तो आप फिर से एस्केप कर लीजिए। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कंपनी नेम ऑन चेक, यहाँ पे ये यस किया हुआ है, हमने इसको नो कर दिया, ठीक है, अल्ट पी किया, एंटर किया, ये प्रीव्यू देख लेते हैं जूम करके, ये देखिए यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि चेकबुक पे ऑटोमेटिकली अभी हमें मिलता है वो नाम लिखा हुआ। तो अभी यहाँ पे तो हमने एक इसका जस्ट प्रोफॉर्मा सेट कर लिया है, एस्केप करके बाहर आते हैं। अब ये फाइनल हो चुका है, कंट्रोल ए किया सेव करने के लिए, फिर प्रिंट के लिए बोल रहा है, प्रीव्यू देखने के लिए हमने तो पहले ही देख लिया है, तो हम एस्केप कर लेते हैं। फर्दर यहाँ पे एंटर एंटर करके आप कंटिन्यू करिए, कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल ए, ये कंट्रोल ए किया, सेव हो गया हमारा सिस्टम। अब यहाँ पे हमने चेक दिखाना है, ये एंट्री पास कर रहे हैं जो बैंक में हम पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं। अभी ये जो स्क्रीन आई है यहाँ पे, ये जो फंक्शंस आप देख रहे हैं ये हमने पहले से ही F12 कॉन्फ़िगर में से फंक्शंस को सब यस कर दिया है। अब इन सभी फंक्शंस को यस कर लीजिए F12 कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, यहाँ पे हमें ज्यादा कोई डिटेल देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाकी यहाँ पे डेनोमिनेशन आपको दिखाना होगा कौन से नोट दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सपोज दिखा दिया 25 नोट्स ऑफ 2000, एंटर कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया 50,000 हो गया। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके नोट होंगे वो आप यहाँ पे मेंशन करा सकते हैं, एंटर किया। बैंक का नाम अगर हम कुछ नहीं दिखा रहे हैं, ओके एंटर कर देते हैं, ये हो गया हमारा कैश डिपॉजिट बैंक में। ओके, अब हम F5 पेमेंट में आ रहे हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने अल्ट सी करके कंप्यूटर अकाउंट बना लेते हैं, फिक्स असेट में दिखाया। अब कंप्यूटर जो हमें मिला 25,000 में आया है, अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले को चेक दिखा रहे हैं, चेक दे रहे हैं, ABC बैंक का चेक देंगे 25,000 का। यहाँ पे ये स्क्रीन हमें सपोर्ट कर रही है, हमने आपको पहले भी बताया ये हमने F12 कॉन्फ़िगरेशन में से सब फंक्शन यस करके रखे हुए हैं। अगर आपका आउट ऑफ इंडिया से भी रिलेटेड है अकाउंट है तो स्विफ्ट कोड आपको यस करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं,
कंट्रोल ए कर दिया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ गया, चेक आया है। अगर यहाँ पे रुक के आप कीबोर्ड से स्पेस दबा रहे हैं तो देखिए राइट साइड में यहाँ पे शो मोर का भी ऑप्शन है, आप एटीएम से दे रहे हैं, कार्ड से दे रहे हैं, पेमेंट कहाँ से कर रहे हैं, ये सब फंक्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। हमें तो चेक से पेमेंट करनी है, हमने एंटर किया 25,000 अकाउंट पे ही, सामने वाले का अकाउंट में जाएगा अमाउंट। यहाँ पे चेक नंबर ऑटोमेटिकली दिखा दिया जो हमने स्टार्टिंग में दिखाया था। अब यहाँ पे 1 अप्रैल ऑटोमेटिक आ चुका है, यहाँ पे दिखा रहा है फेवरिंग नेम, किसके नाम से आपको चेक निकालना है, तो हम कंप्यूटर वाले के नाम पे निकालेंगे जिसका जो दुकान है। तो यहाँ पे आप सिंपल सा लिखा देते हैं कंप्यूटर शॉप अकाउंट, जो भी उनका दुकानदार का नाम होगा वट एवर, यहाँ पे एंटर कर दीजिए। ये एंटर कर दिया, अब यहाँ पे हमारे सामने क्या आ गया, चेक का ऑप्शन आ चुका है। हम प्रीव्यू करके देख लेते हैं, यहाँ पे अल्ट जेड दबा रहे हैं जूम करने के लिए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली अकाउंट पे ही आ गया, सामने वाले का दुकान का नाम आ गया जो हमने मेंशन कराया था, अमाउंट आ चुका है। बस हमें यहाँ से क्या करना है, हमारे चेकबुक में से चेक निकाल के प्रिंटर में रखना है और प्रिंट निकालना है, ये पूरा का पूरा प्रिंट होके आ जाता है। हम एस्केप कर लेते हैं, हमें नहीं निकालना है, ये एस्केप किया ठीक है। सिमिलरली सपोज अभी हम रिसिप्ट में आ रहे हैं, हमें डिविडेंड मिला है, शेयर्स में से हमने इन्वेस्टमेंट किया था, यहाँ पे डिविडेंड रिसीव, ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, कंट्रोल ए किया। सपोज फॉर एग्जांपल 2,000 रुपीज हमें आया, यहाँ पे हम डेफिनेटली हमारे बैंक अकाउंट में ही आएगा वो, यहाँ पे ये बैंक अकाउंट का नाम दिखा दिया। फिर से यहाँ पे आप अगर स्पेस दबा रहे हैं तो राइट साइड में आपको ऑप्शन आता है आपको पैसा कहाँ से मिला है, तो हम यहाँ पे ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेके सिंपल सा चेक ही दिखा रहे हैं, 2000 का आया है। यहाँ पूछ रहा है चेक नंबर, कौन सा चेक नंबर आपको मिला है, तो चेक नंबर तो 6 डिजिट का होता है, तो हमने 6 डिजिट दिखा दिए, 1 अप्रैल को मिला है। कौन सी बैंक से मिला है, सपोज फॉर एग्जाम्पल आईसीआईसीआई से मिला है, हमने टाइप करना स्टार्ट किया लेकिन देखिए राइट साइड में दिखा रहा है अभी हमें क्या देना है, स्पेसिफाई बैंक नेम, एंटर किया, यहाँ पे आईसीआईसीआई दिखा दिया, ओके। ब्रांच मुंबई ब्रांच दिखा दी, कहाँ से आया है, सपोज फॉर एग्जाम्पल अभी ये हमें XYZ कंपनी से आया है, हमने XYZ कंपनी में शेयर्स लिए थे, वहां से हमें ये डिविडेंड मिल रहा है, एंटर कर दिया, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अभी फॉर एग्जाम्पल 2 तारीख पे हम फर्नीचर ले रहे हैं, उसके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं 1 मई का, यानी कि पोस्ट डेटेड का, तो F5 पेमेंट में आ गए। तो राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट डेटेड का ऑप्शन दिया हुआ है, कीबोर्ड से कंट्रोल टी, यहाँ पे ऊपर देखिए आ गया स्टेटस पोस्ट डेटेड का। अभी हमें चेक कौन से तारीख पे देना है, 1 मई पे, तो F2 करके हम यहाँ पे 1 मई लगा देते हैं, पोस्ट डेटेड हमने दिखा दिया है। हम क्या ले रहे हैं, फर्नीचर ले रहे हैं, फर्नीचर फिक्स असेट में आएगा, कंट्रोल ए किया, 15,000, यहाँ पे हमारे एबीसी बैंक का चेक देना है हमें, यहाँ पे चेक आ गया 15,000 आ गया अकाउंट पे, उसके अकाउंट में जाएगा ऑटोमेटिकली, चेक नंबर यहाँ पे आ गया 2nd, और यहाँ पे देखिए डेट क्या आ गई, 1 मई आ गई, जिस तारीख पे हमें सेट करना है। यहाँ पे सामने वाले का दुकानदार का नाम दिखा देंगे, फर्नीचर शॉप अकाउंट दिखा देते हैं। अब यहाँ पे हमें डेट दिखानी है कौन से तारीख पे हम दे रहे हैं, हम तो 2 अप्रैल को दे रहे हैं, तो ये 2 अप्रैल को, सॉरी हमने ईयर का प्रॉब्लम दिखाया, तो हमें यहाँ पे अभी 20 दिखाना होगा, 2 अप्रैल 20, ठीक है, ये एंटर कर देते हैं। 2 अप्रैल को हम चेक दे रहे हैं 1 मई का, एंटर करके बाहर निकल आते हैं। यहाँ पे अभी प्रीव्यू देख लेंगे, जूम करके देखते हैं, देखिए आ गया 1 मई 2020 का हमें चेक दे रहे हैं फर्नीचर वाले को, और उसका अमाउंट और यहाँ सब डिटेल में आ चुका है, कैंसिल करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमें अभी सपोज फॉर एग्जांपल 2 अप्रैल को कुछ पैसे विड्रॉ करा रहे हैं बैंक से, तो एबीसी बैंक में से हमने क्या करना है, विड्रॉ करना है 5,000 रुपीज, ये 5,000 रुपीज आ गया यहाँ पे चेक का ऑप्शन, हम 5,000 निकाल रहे हैं, डेफिनेटली हमारे अकाउंट में से निकलना, लेकिन अकाउंट पे ही नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे सेल्फ दिखा दीजिए, माई सेल्फ दिखा दीजिए, जैसे हम नॉर्मली बैंक से विड्रॉ करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। चेक नंबर 3rd आ गया है, डेट आ गई, यहाँ पे हमारे कंपनी का नाम जो हमने लिखा था ऊपर देख सकते हैं आप, बस फर्दर कुछ नहीं, एंटर करके बाहर आ सकते हैं। हमारे पास कैश आ गया 5,000 का, डेटमीन्स हमने विड्रॉ करा लिया। यहाँ पे फिर से आपको प्रीव्यू दिखाएगा, अगर आप डायरेक्टली प्रिंट निकालना चाहें तो यहाँ से प्रिंट भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेल्फ दिखाया, सेल्फ चेक चाहिए हमें, अगर आप वर्ड सेल्फ नहीं भी दिखाना चाहते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि हमारे कंपनी का नाम तो यहाँ पे है ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी एस्केप करके
अब ये एंट्री तो सेव हो चुकी है, हम डायरेक्टली कीबोर्ड से पेज अप कर लेते हैं। यहाँ पे ये एंटर एंटर करके जाते हैं, ये जो हमने सेल्फ सिखा था उसको एस्केप कर दीजिए, सिंपल सा वो एरिया ब्लैंक कर दीजिए। अब एंटर एंटर करके जाइए, आप फिर से आप प्रीव्यू देख लीजिए, ये देखिए आ गया, ऊपर कुछ भी वर्ड नहीं है, अकाउंट पे ही नहीं है, सेल्फ नहीं है, बाकी हमारे कंपनी का नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये आप कैंसिल कर दीजिए, मतलब एस्केप कर लीजिए, एंट्री तो सही हो चुकी है। अब सबकी सब एंट्रीज का हमें डिटेल प्रोसेस चेकआउट करना है, तो यहाँ पे यूटिलिटीज के अंदर बैंकिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, इस बैंकिंग के अंदर जाते हैं। पहला ऑप्शन दिया है चेक प्रिंटिंग का, हमने कौन से चेक प्रिंट निकाले हैं, ऑल एंटर करके देख लेते हैं। हमारे बैंक का नाम दिखा रहा है एबीसी बैंक, अंदर गए, यहाँ पे दिखा रहा है 1 अप्रैल एंड 2 अप्रैल। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पीरियड दे देते हैं 1 अप्रैल से लेके सपोज 31 मई तक, ये 3 चेक्स आ गए, जो पहले हमने कंप्यूटर वाले को दिया है, फिर जो सेल्फ विड्रॉ कराया है, और ये पोस्ट डेटेड का। यहाँ पे मेन स्टेटस क्या दिखा रहा है, प्रिंटेड हमने अभी तक नहीं किया है। अगर आपको इनमें से कोई भी चेक प्रिंट आउट निकालना है तो अल्ट पी, करंट दिखा रहा है, ओके एंटर किया, यहाँ पे ये सब फंक्शन यस है ऑटोमेटिकली। अब ये पहला चेक निकालेगा कंप्यूटर शॉप का, जो यहाँ पे पहली एंट्री है। अगर आपको वो चेक प्रिंट आउट नहीं निकाल के सेकंड वाले का चेक का प्रिंट आउट निकालना है, तो आप कीबोर्ड से क्या कर लीजिए, एस्केप। जैसे ही एस्केप किया, देखिए यहाँ पे सेकंड चेक आ गया। अब आप इसका प्रीव्यू देखिए, और अगर ये फाइनल प्रिंट निकालना है तो आप नीचे से यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन दिया है, या कीबोर्ड से कंट्रोल पी करके प्रिंट निकाल सकते हैं, अगर नहीं तो फिर आप एस्केप कर लीजिए, ठीक है। फिर से आपने एस्केप किया तो यहाँ पे आपको थर्ड चेक के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, जो चेक आप चाहें अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। हम कैंसिल कर देते हैं, एस्केप करते हैं। सेकंड नंबर ऑप्शन में आता है चेक रजिस्टर, यहाँ पे हमें दिखा रहा है अभी हमारे पास टोटल 7 चेक्स अवेलेबल हैं, और 3 चेक हमारे अनरिकंसाइल है, रिकंसिलेशन नहीं हुआ है, हमने चेक पास नहीं किया है, टोटल चेक 10 है और 1 पोस्ट डेटेड में है। आप एंटर कर लीजिए एबीसी बैंक पे, फिर से एंटर कर लीजिए, पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपके सामने आ चुका है, कौन से चेक कहाँ पे कैसे पे किए गए हैं। उसके साथ में फिर एस्केप करके बाहर आते हैं हम, पोस्ट डेटेड चेक का समरी देखना है, तो ये पोस्ट डेटेड का चेक पीस समरी दिखाएगा आपको, जो हमने 1 मई को दिया हुआ था। आप एंटर करके पूरी एंट्री देख सकते हैं, और यहाँ पे स्टेटस में क्या दिया हुआ है, एट प्रेजेंट पेंडिंग है, ठीक है। हम कैंसिल करते हैं, बाहर निकलते हैं। डिपॉजिट स्लिप्स अंदर की तरफ आए, एबीसी बैंक में आए, यहाँ पे दिखा रहा है जो हमें डिविडेंड मिला था, वो डेफिनेटली हमें चेक क्या करना होता है, बैंक में डिपॉजिट करना होता है। तो फिर से आप यहाँ पे रुके, अल्ट पी लगा दीजिए, एंटर, यहाँ पे ये प्रीव्यू देख लिया, ये दिखा रहा है, जूम करके देखिए, ये कॉपी बैंक के पास रहेगी और ये हमें वापस मिलती है। ये पूरा का पूरा डिटेल जो हमने फिल किया था वो सब फंक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आप स्क्रोल करके देख सकते हैं, यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं। अभी यहाँ पे तो ये हमारा फंक्शन दिखा रहा है, और जो हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए थे उसका रिकॉर्ड कहाँ है, तो उसका रिकॉर्ड आपको आएगा चेंज व्यू से, डेट मीन कंट्रोल एच करके, कैश डिपॉजिट स्लिप, एंटर किया, ये आ गया। अब फिर से अल्ट पी लगाइए, एंटर करके कैश डिपॉजिट का देखना है, यस हमें वो देखना है, और ये प्रीव्यू, ये जूम करके देख लीजिए, ये फंक्शन सब दिखा रहा है जो हमने पैसे बैंक में डिपॉजिट किए थे। डेफिनेटली ये कॉपी बैंक में जाएगी, और नीचे वाली कॉपी हमें रिटर्न मिलती है, कस्टमर कॉपी जो लिखा हुआ है। एस्केप करते हैं, एस्केप, यहाँ से आपको चेंज व्यू करके देखना है, अभी आपको चेक का फंक्शन देखना है, जो चेक मिले थे वो बैंक में डिपॉजिट करने हैं, तो यहाँ से आपको सपोर्ट मिलता है। अगर आपको जो पैसे बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको चेंज व्यू करना है, कंट्रोल एच, फिर आपको कैश डिपॉजिट का फंक्शन मिलता है। हम एस्केप करके बाहर आ जाते हैं। ये बैंक रिकंसिलेशन, अगर चेक हमारे क्लियर हो चुके हैं तो यहाँ पे हमें जस्ट क्या लिखना है, बैंक की डेट लिखनी है। जैसे अभी ये हमारा चेक है, ये तो हमने कॉन्ट्रा है, यानी कि पैसे बैंक में डिपॉजिट किए हुए थे, तो वो तो उसी समय पे हमारे क्लियर हो जाएंगे, तो 1 अप्रैल दिखा दिया। ये कंप्यूटर वाले को भी हमने उसी समय पे दिया था, तो सपोज फॉर एग्जाम्पल उसने 2nd डे पे ही क्लियर करा दिया। ये डिविडेंड हमें मिला है, ये भी हमने 2nd डे पे क्लियर करा दिया। क्या ये हमारा एजुकेशनल बोर्ड है, तो हमें 1st 2nd डेट ही एक्सेप्ट होगी, इसलिए हम यहाँ पे वही फंक्शनिंग सेट कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी ये पोस्ट डेटेड है, तो वो हमारा 1 मई को दिया हुआ है, तो वो हम उसको बैलेंस में रख रहे हैं।
बाकी आप नीचे की तरफ देख सकते हैं बैलेंस एज पर कंपनी रिकॉर्ड और बैलेंस एज पर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये 15,000 का जो चेक हमने पे किया है वो 1 मई के बाद क्लियर होगा, तो वो अभी तक रिफ्लेक्शन में नहीं आ रहा है। आप एंटर करेंगे तो सेव हो जाता है, नहीं तो आप एस्केप करके बाहर आ जाइए, जब बाद में जब क्लियर होगा तब देख लेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक टेली प्राइम के एजुकेशनल मोड में बैंकिंग यूटिलिटीज के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जैसे न्यू वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।